रेडिश, जिसे मूली के नाम से भी जाना जाता है और हर घर के सैलेड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा मूली का परांठा, सब्जी और पिकल भी लोग बड़े स्वाद के साथ खाते हैं। मूली की काफी वैरायटीज होती है जो साइज और कलर में डिफरेंट होती हैं, लेकिन अधिकतर व्हाइट और रेड रेडिश ही देखने को मिलती है। रेडिश एक ऐसी रूट है जो खुद डाइजेस्ट होने में टाइम लेती है, लेकिन बाकी खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छे से मदद करती है। लेकिन मूली को डाइजेस्ट करने के लिए गुड़ खाना एक अच्छी ऑप्शन है। इसके पत्ते, फ्लावर्स, पॉड्स एंड सीड्स सब खाए जाते हैं। रेडिश आयरन, कैल्शियम और सोडियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अधिकतर लोग पत्तों का कम और मूली का इस्तेमाल अधिक करते हैं। इसे प्रेफरेबली कच्चा ही खाना चाहिए। कुक करने से इसके काफी विटामिंस नष्ट हो जाते हैं। इसके पत्तों को भी सैलेड में खाया जाता है और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। इसके पत्तों में कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन एंड विटामिन सी मूली से भी कहीं अधिक होते हैं। बहुत से लोग इसे इसलिए कम खाते हैं कि ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन अब जब मैं इसके गुणों के बारे में आपको बता रही हूँ तो अब आप अपनी डाइट में इसे शामिल करने के लिए मजबूर हो ही जाओगे। दिस इज आई एम श्योर। रेडिश को खाने के अलावा मेडिसिन के तौर पे भी यूज किया जाता है। रिसर्चेस में पाया गया है कि रेडिश में कैंसर सेल्स को नष्ट करने की प्रॉपर्टीज है, जिससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है। खास करके जो इसका फाइबर कंटेंट है वो कैंसर सेल से लड़ने के लिए बहुत इफेक्टिव है। मूली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। इसमें विटामिन सी, फॉलिक एसिड और एंथोसियानिंस अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। एंथोसियानिंस एक तरह के कंपाउंड होते हैं जो सब्जी और फ्रूट को उसका रंग देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि बेरीज, रेड अनियन, पोमेग्रेनेट एंड किडनी बीन्स एटसेट्रा। ये खासकर कॉलन, किडनी, इंटेस्टाइनल, स्टमक और ओरल कैंसर के इलाज के लिए बढ़िया माने गए। डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स की प्रोडक्शन ठीक हो रही हो तो लिवर और गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग ठीक रहती है। रेडिश डाइजेस्टिव जूसेस की प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जिससे लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों को स्ट्रेंथ मिलती है और इन्फेक्शन और अल्सर से बचाव रहता है। It is used in the treatment of liver, क्योंकि ये liver और stomach को detoxify करती है। Body में एक yellow color का pigment होता है जिसे bilirubin कहते हैं। ये हमारे पुराने blood cells के टूटने से बनता है जो blood और stool में दिखाई देता है। अगर इसकी मात्रा body में बढ़ जाए तो skin पीली नजर आने लगती है और आंखें सफेद हो जाती हैं, जो कि jaundice की निशानी है। मूली excessive pigment को blood से रिमूव कर इसकी amount को stable रखती है और jaundice से बचाव करती है। इसीलिए इसे जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए बढ़िया माना गया है। मूली का अपना तीखा स्पाइसी टेस्ट काफी है बहुत सी बीमारियों से बचाने के लिए। इसे खाने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक एस्थमा, ब्रोंचाइटिस और एलर्जीज के कारण होने वाली परेशानियों में काफी राहत मिलती है। जिन लोगों को बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ होता है उन्हें मूली जरूर खानी चाहिए। ये गले से एक्सेस म्यूकस को बाहर निकाल गले को साफ रखती है और गले के दर्द और सूजन में आराम देती है। ये विटामिन सी का बहुत बढ़िया सोर्स है जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, वाटर सॉल्युबल है और बॉडी में स्टोर नहीं होता। इसलिए बॉडी में एक्सेस विटामिन सी चला भी जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, इसकी कमी जरूर बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकती है। अगर हम एक मीडियम साइज मूली खा लेते हैं तो हमें हमारी डेली विटामिन सी की रिक्वायरमेंट का 15% उसी से मिल जाता है, जो कि एक अच्छी परसेंटेज है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है और इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से बचाव रहता है। कॉन्स्टिपेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अक्सर सुनने को मिलती है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से मूली का सेवन करना चाहिए, क्योंकि मूली में वाटर कंटेंट और फाइबर कंटेंट दोनों ही काफी मात्रा में पाए जाते हैं और ये पेट में चिपके हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। कॉन्स्टिपेशन ही पाइल्स का मेन रीजन है। मूली डिटॉक्सिफाई होने के कारण पाइल्स के सिम्टम्स को ठीक करने में हेल्पफुल है। रेडिश जूस इज बेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स। मूली किडनी की अच्छी हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। ये यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ये किडनीज को क्लीन करती है, किडनी और यूरिनरी ट्रैक में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। यूरिनेशन के दौरान होने वाली जलन और दर्द में आराम देता है मूली का जूस। ये एक नेचुरल क्लींजर है जो बॉडी से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। Therefore, reddish juice is very beneficial in the treatment of urinary disorder. यहाँ तक कि मूली के पत्तों का जूस
ब्लैडर में स्टोन को डिसॉल्व कर यूरिनरी पैसेज को क्लियर करने में हेल्पफुल है। रेडिश इज एक्सीलेंट फॉर वेट लॉस। आप आराम से मजे लेते हुए इसे स्नैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें वाटर और फाइबर अच्छी खासी मात्रा में है जो फुलनेस तो खूब देते हैं लेकिन कैलोरीज नहीं देते। ये मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने में मदद करती है और पेट को भी क्लियर कर वेट लॉस में काफी हेल्पफुल है। हाई ब्लड प्रेशर केसेस में भी मूली बहुत इफेक्टिव है। ये पोटेशियम रिच होने के कारण बॉडी में ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर ब्लड फ्लो को ठीक रखती है जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। डायबिटिक्स को बहुत सारी चीजों की खाने की मनाही होती है क्योंकि उन्हें खाने से उनके ब्लड में शुगर का लेवल एकदम से बढ़ता है। बट मूली एक ऐसी रूट है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, यानी इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता नहीं और फायदे भी पूरे मिलते हैं। इसे खाने से ना तो शुगर एकदम बढ़ती है और ना ही कम होती है। रेडिशेस आर वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट्स। ये इन्फेक्शन के कारण होने वाले फीवर से बचाव करती है। काला नमक मिलाकर मूली का जूस पीने से बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। मूली का तीखापन पेट के कीड़ों और पेट संबंधित रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। भूख ना लगती हो तो मूली और अदरक के टुकड़ों पर नींबू का रस डालकर खाने से अच्छी खासी भूख लग जाती है। खाने के बाद पेट में भारीपन लगता हो तो मूली के रस में काला नमक मिलाकर पीने से काफी आराम मिलता है। रेडिश में कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो दिल संबंधित बीमारियों के रिस्क को कम करते हैं। ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। पानी अच्छी मात्रा में होने के कारण ये स्किन की नमी को बनाए रखती है। वाइटामिन सी, फॉस्फोरस, जिंक और कुछ बी वाइटामिन जो मूली में पाए जाते हैं वो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे स्किन हेल्थी, स्मूथ और सॉफ्ट रहती है और स्किन पे ग्लो आता है। इसे रेगुलरली खाने से स्किन सेल्स की प्रोडक्शन और मेंटेनेंस अच्छी होती है। वाटर कंटेंट अधिक होने के कारण बॉडी की नमी बरकरार रहती है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। खाने से मिलने वाले जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में अच्छे से अब्सॉर्ब होते हैं और काम करने की शक्ति बढ़ती है। इसमें आयरन कंटेंट होने के कारण इसे रेगुलरली खाने से बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और शारीरिक थकान दूर होती है। इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम हड्डियों को स्ट्रांग और हेल्थी रखता है। मूली की तासीर ठंडी होने के कारण अधिक गर्मी में ये बॉडी की हीट को कम कर ठंडक देती है। इसकी कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति के कारण खुश्की, क्रैक्स, रैशेज जैसी स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करती है। कीड़े मकौड़ों के काटने से होने वाली जलन, दर्द और सूजन को ठीक करने के लिए भी काफी इफेक्टिव है मूली का जूस। इसमें आयरन और फॉलेट्स होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करने में और बेबी को बर्थ डिफेक्ट से बचाने में मदद करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। हाँ, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसे एक्सेस में नहीं खाना चाहिए। मूली का जूस एक अच्छा नेचुरल क्लींजर है और मूली के गुद्दे को आप एक फेस पैक की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका हाई विटामिन सी कंटेंट अर्ली एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। मूली खाने से या मूली का जूस पीने से बालों में भी नमी बनी रहती है। ये आयरन रिच होने के कारण बालों को शाइनिंग, स्ट्रांग और हेल्थी रखती है। रेडिश जूस को स्कैल्प पे लगाने से डैंडर से छुटकारा मिलता है। मूली खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो फ्रेश और फर्म हो, उसके पत्ते ग्रीन हो, उस पे किसी तरह के दाग धब्बे और कट्स ना हो। इसे स्टोर करने के लिए आप इसे धोकर पत्तों समेत प्लास्टिक बैग में डालकर रेफ्रिजरेटर में एक वीक के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। पत्तों के कारण इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहेगी। जिन लोगों का थायराइड ग्लैंड ठीक से काम ना कर रहा हो उन्हें मूली नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें एक कंपाउंड होता है जिसके कारण थायराइड ग्लैंड में सूजन आ सकती है। जिनके गैलब्लैडर में स्टोन हो उन्हें भी इसे अवॉइड ही करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी अपने हेल्थ एडवाइजर से पूछ के ही खाएं। अदरवाइज हेल्थी लोग इसे आराम से खा सकते हैं बट विद इन लिमिट। कुदरत के अनमोल तोहफों का फायदा उठाते रहिए, होगी इससे अच्छी सेहत, औरों को भी बताते रहिए। Stay healthy, stay blessed.